गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ है, वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, आप इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान रहता है, बराबर होता है आपस में। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। तो अब हम ये सोचते हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी भुजाओं में भी कोई आपस में संबंध होता है। आपको पता है कि जो क्षेत्रफल है उसकी जो इकाई होती है वो वर्ग मात्रक होती है, वर्ग मात्रक में क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो आज हम जो है इस बात पर चर्चा करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्या जो है उसका संबंध उनकी भुजाओं के अनुपात से होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अब एक बार प्रमेय आप जो है 6.6 प्रमेय देखिए, आप प्रमेय 6.6 प्रमेय में क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहां दो समरूप त्रिभुज लेके चलेंगे, जैसे एक समरूप एक त्रिभुज ये है ए बी सी और दूसरी है पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में। और सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी का वर्ग ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग बराबर है ए सी बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग, बराबर है ए सी अपॉन पी आर। इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो है अलग अलग भी कर सकते हैं, इनका ए बी का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग इकट्ठा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिद्ध करना है। और इसमें अब रचना करेंगे हम, रचना आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा में संगत ऊंचाई। तो इसलिए यहां से लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया और यहां से इस पर लंब डाल दिया। इन लंबों के नाम मैं एम और एल लिखता हूं, ये एम पे डलता है और ये एन पे डलता है। तो आप क्या करोगे, ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर डालो, ये डाल दिया आपने, लंब डाल दिया आपने जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसके बात करेंगे, इसकी प्रमाण की बात करेंगे, इसकी प्रमाण पर चर्चा करें। देखिए, हमारे को ये निकालना है कि ना क्षेत्रफल, यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्षेत्रफल में आपको पता है कि फार्मूला होता है 1/2 आधार, आधार मान लो यहां पे बीसी है गुणा में ए एम,
और नीचे वाले इसमें लगाएंगे 1/2 आधार क्यू आर है गुणा पी ए, इसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एम, इसको एक नंबर डाल दें। अब हम एक बार ये त्रिभुज लेते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू ए, तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू ए एन में, ध्यान से देखो कि बी कोण जो है वो क्यू के बराबर है, क्यों त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुज समरूप है तो तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये आपको पता है कि इससे हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण क्यू, कारण यहां हो जाएगा बिकॉज त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, एबीसी पी क्यू आर के समरूप है। और दूसरा जो है कोण एक बराबर है कोण दो बराबर 90 डिग्री, कोण एक बराबर कोण दो बराबर है 90 डिग्री, बराबर लंब डाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो बराबर है तो त्रिभुज हमारे पास ये हो जाएगा समरूप। देयरफॉर त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, ये समरूप है और ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन पी एन। यहां से बट परंतु इसका नंबर देता मैं 2 नंबर, परंतु ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया हुआ है, दिया क्या। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे 2 और 3 में, देखो बी सी अपॉन क्यू आर को भी आप ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं और ए एम बाई पी एन को भी ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं एक में। तो आप क्या करेंगे 2 और 3 की जो वैल्यू है वो एक में पुट कर दें, ठीक है। तो वैल्यू जो ऑफ 2 और 3 के मान, 2 और 3 के मान एक में रखने पर, तो एक नंबर यहां देखो आप, एक नंबर आपको ये बताया था मैंने दिस इक्वल टू दिस, यहां पे हम रखेंगे ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल, देखो ये हमने इसके बराबर किया था तो बी सी अपॉन क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम बाई पी एन है तो उसकी जगह लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। और इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, देखो ए इसके बराबर सिद्ध कर दे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बाई पी आर का स्क्वायर के बराबर। तो अब हम आगे यूज करेंगे, हम थोड़ा प्रूव कर दें कि दो समरूप त्रिभुजें हो, समरूप त्रिभुज हो
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह हमने सिद्ध कर दिया। अब इसमें आगे हम चलेंगे, वो देखिए आगे अब हमारे पास जो आता है एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप, 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में क्या है, 9th आकृति 6.43 में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है। देखिए यहां पे हम एक त्रिभुज ने यह त्रिभुज है एबीसी, एबीसी और ये एक रेखाखंड है जो इसके समांतर है, इसके एक्स वाई, एक्स वाई तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। ये कहता है ये जो रेखाखंड है ना, जितना क्षेत्रफल इसका है इतना इसका, दोनों पार्ट से बराबर है, ये लिखता है यहां पे। तो हमने जो निकालना है वो अनुपात निकालना है कि अनुपात, अनुपात अनुपात एक्स बाई ए बी ज्ञात कीजिए। ये अपन अपनी ज्ञात कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है इसमें। यहां देखिए थोड़ा सा हम चर्चा करें इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो इसके हल में हम ये लिखेंगे, हल में कि जो एक्स वाई है वो एसी के समानांतर है, तो एक्स वाई जो है एक्स वाई समानांतर एसी, ये दिया हुआ आपको दिया है, दिया है। तो कोण एक बराबर है कोण दो होगा, और कोण जो है ये बी कॉमन है। तो अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज हम ये लें बी एक्स वाई और त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, तो इनमें आप देख सकते हैं कि कोण एक बराबर है कोण दो, संगत कोण है, संगत कोण है ये, कोण बी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, और दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप त्रिभुज बी एक्स। अब जो है अब हम भुजाओं का अनुपात के हिसाब से लिखिए जो हमने निकाल रहे हैं। तो अभी अभी आपको बताया मैंने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी त्रिभुज की भुजा है है एक्स, तो इसमें हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई, छोटे वाले त्रिभुज कोण एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ए सी। ये तो अभी बताया कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ऊपर त्रिभुज छोटे वाले लिखिए मैंने, तो बी एक्स लिखूंगा मैं यहां बी एक्स, और यहां बी ए या ए बी इसके बराबर होगा। यह अभी हमने सिद्ध किया है इससे पिछले थ्योरम में कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजा मैंने वो लिए हैं जहां मैंने अनुपात ज्ञात करना है, ये
इसे ये लिख क्या है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, जो बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई और ए बी सी, तो बी एक्स वाई का ट्वाइस है ए बी सी, क्योंकि दोनों भाग बराबर है, क्योंकि एक्स वाई जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका जो अनुपात है वो 1/2 है। और ये ऊपर स्क्वायर, यहां से कि ये कहां से आ गया, देखो ये कहां से आया, इसलिए आया, यहां रीजन ये है कि क्योंकि बिकॉज यहां लिखता हूं बिकॉज कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई इक्वल टू एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई सी इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये जो छोटे वाले त्रिभुज है ये बड़े वाले का जो है 1/2 होगा, वन पार्ट ये हो जाएगा, बड़े वाले 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो 1/2। अब यहां से स्क्वेयर को इस साइड में लेके आएंगे ना, स्क्वेयर को, तो ये स्क्वेयर रूट में बदलेगा, तो बी एक्स अपॉन ए बी जो होगा वो आएगा वर्गमूल 1/2, तो एक का वर्गमूल तो एक ही होता आपको पता है, और ये आ गया हमारे पास 1/√2। अब हमें बी एक्स नहीं चाहिए यार, बी हमें ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स कैसे आएगा, ए एक्स आएगा ए बी में से बी एक्स माइनस करें, ए बी में से बी एक्स माइनस करें, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से वन में से माइनस कर दिया, इसको वन में से माइनस कर दिया, इसको वन में से माइनस कर दिया, इसको भी वन में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 1 - bx / ab, 1 - 1/2। आप ये मान के चलो कि पहले तो दोनों साइड में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स अपॉन ए बी माइनस 1/√2, और फिर दोनों में वन प्लस कर दिया, दोनों साइड में वन प्लस कर दिया या। अब आप इसमें कल देख सकते हैं कि ए बी एलसीएम लेंगे, ये ए बी माइनस बी एक्स हो जाएगा, और यहां पर वर्गमूल 2 एलसीएम, तो वर्गमूल 2 - 1 हो जाएगा, ए बी माइनस बी एक्स, ए बी में से बी एक्स माइनस करो तो क्या आएगा, यहां पे ए एक्स आ जाएगा और नीचे ए बी रहेगा सेम, और ये आएगा वर्गमूल 2 - 1। ये हमने थोड़ा सा जो मैनिपुलेशन है लास्ट के अंदर कि आंसर को देख के आपने उसको थोड़ा सा रोटेट करवाना है, ताकि आप इसको कर सके बड़े आराम से, ऐसे हो गए। अब इसके बाद आता है कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आगे, जैसे आगे आता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो आप ऑलरेडी काफी छोटी लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे इसका हम प्रूफ करेंगे, जो हमारे पास जो समरूपता के नियम हैं इनका यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि प्रूफ कैसे होता है। तो पहले एक बार हम जो है एक प्रमेय लेते हैं, प्रमेय 6.7। देखो 6.7 प्रमेय क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिरे से कर्ण पर डाला जाए, लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये हमारे पास है, ये 90 डिग्री का कोण है यहां, और मैं इसका नाम रख देता हूं एबीसी, बी समकोण है आप देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इससे लंब डाला जाए, इसके ऊपर लंब डाला जाए, सपोज करता हूं डी पे काटता है लंब एसी को, तो हमें यहां सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, ध्यान दें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमने कि त्रिभुज फर्स्ट पार्ट में, तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट पार्ट में, त्रिभुज ए बी डी
त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी समरूप है त्रिभुज। अब देखो इसमें डी है तो यहां पे हमारे पास ए बी डी लिखा मैंने, ए बी डी ये वाली, तो डी पे समकोण है तो वहां बी पे समकोण है, तो यहां पे हमारे पास जो त्रिभुज बनेगी ए बी डी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ए डी बी लेते, जो डी पहले वो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ए डी बी यहां त्रिभुज ए बी सी आ जाएगा। मैंने ये लिखा कि ए तो ए के संगत है, डी पे 90 का आया तो बी पे 90 का बी, तो बी सी हो जाएगा, तो ये आपने लिखना है। और यहां पे जो है सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में हमने इसे करना कि ये वाले त्रिभुज जो इस साइड वाले है त्रिभुज, ये त्रिभुज है बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, अब डी पे समकोण है यहां बी पे समकोण है तो समरूप त्रिभुज ए बी सी ये करना है। और फिर ये आपस में समरूप है, तीसरा पार्ट ये है, ये और ये समरूप है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी ये हमने करना है। तो ये बड़ा आसान सा प्रूफ है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी करूंगा और इनका भी करूंगा, दोनों कर लेता हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रीमेय जो है 6.7 भी आ जाएगी, 6.8 भी आ जाएगी, 6.8 में तो सिद्ध करना है ना, 6.8 में मैं लिखता हूं चौथा पार्ट, 6.8 में हमने सिद्ध करना है कि एसी स्क्वेयर कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का। ये रिजल्ट जो है ये वाला नीचे वाला ये 6.8 का है, 6.8 तो दोनों काम इकट्ठे कर रहा हूं मैं, तो इसलिए एक जैसी है दोनों थ्योरम, इसलिए मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी आप कहें। अब यहां देखो पहले इन दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ये ट्रायंगल्स तो जो त्रिभुज हमारे पास जो है त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दें ए डी बी में कोण ए और कोण ए दोनों में है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ, और ये बी 90 का है या डी 90 का है, तो इसमें कोण डी बराबर है कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ये रीजन है 90 डिग्री, दो 90 के हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके दो कोण, इसके दो कोणों के इक्वल हैं, तो त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो ये चीज हमने ऐसे लिखनी है, हम इसलिए अनुपातिक होंगी, इसलिए क्या करेंगे मैं यहां लिखता हूं जैसे ए डी, ए डी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, तो ये छोटे वाले की बड़े वाले की है। अब मैं ए बी जो है वो छोटे वाले त्रिभुज की है अपॉन ए सी, ये बड़े वाले, तो मैंने क्या किया है ऊपर तो मैंने छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं लिखी है, नीचे बड़े वाले की लिखी है, क्यों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहां से आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी मल्टीप्लाई ए सी बराबर है ए डी स्क्वायर, ये एक नंबर क्वेश्चन आ गई। अब हम दो का प्रूफ करेंगे, हम दो नंबर में प्रूफ करेंगे, देखिए आप अब हम ये दो त्रिभुज लेंगे, तो अब आप लिखो जो है सेकंड पार्ट के लिए त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज
एबीसी ये सेकंड पार्ट दे रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट में यही है, सेकंड में बीडीसी ठीक है, और त्रिभुज एबीसी एबीसी टू। अब इसमें भी दो कोण बराबर है, सी और सी दोनों बराबर है, सी बराबर सी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, और कोण डी बराबर है कोण डी, ये 90 है। तो त्रिभुज जो है बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और समरूप है तो हम क्या करेंगे, भुजानुपातिक होंगे। तो मैं अब लिखता हूं सीडी, सीडी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, सीडी सीडी अपॉन बीसी, बीसी बड़े वाले की है, और अब बीसी छोटे वाले की है और एसी बड़े वाले की है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, सी डी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये दोनों पर। तो अब एक तो ये तीसरा पार्ट जो है ना, तीसरा पार्ट है कि भाई ये त्रिभुज इसके समरूप हो गए, वो तो इसलिए हो जाएंगे कि ये दोनों देखो आप, ये त्रिभुज ये वाले जो है त्रिभुज है ये पूरी का समरूप है, और ये वाले त्रिभुज भी पूरी का समरूप है, तो इन दोनों से कह देंगे कि आपस में समरूप है। तो तीसरा पार्ट तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अब हमने क्या है साथ साथ हम पाइथागोरस थ्योरम भी कर रहे हैं, 6.8 है, 6.8 ऐसे ही करना जो मैंने बताया है, इसमें ये लाइन लिखनी है बुझाएं ये लाइन, अब एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ दिया हमने, इसको और इसको लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगी, तो ये लिखेंगे एडी मल्टीप्लाई एसी प्लस सीडी मल्टीप्लाई एसी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यहां से एसी कॉमन ले लिया तो एडी प्लस सीडी आ गया, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। और एडी प्लस सीडी को देखो, एडी प्लस सीडी को आप एसी लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, एसी 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 स्क्वेयर आ गया। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कर दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ ऐसे ही करने हैं एसी के हेल्प से, ये कोई दोनों एक जैसी थ्योरम है तो पहले थ्योरम आ जाए तो पहले तीन रिजल्ट प्रूव करने हैं, और दूसरी आ जाए तो पहले दो प्रूव करके और ये रिजल्ट लिख के और ये जोड़ना है, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है, और ऐसे आपने करना है। देखिए ये हमारा एक जो है भारतीय गणितज्ञ थे, उसने पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये जो है प्राचीन काल में ही सिद्ध कर दी थी, वो था बोधायन, बोधायन एक जो है मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, और ये लगभग 800 ईस्वी पूर्व था, तो इसने ये इसको थ्योरम को जो हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसको कई बुक्स में कई बार जो है ये बोधायन प्रमेय बोलते हैं, बोधायन प्रमेय, क्योंकि इसने इसके बारे में बता दिया था, इसने उन्हें बोधायन ने क्या बताया कि एक आयत विकर्ण समय से उतना एक क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उनकी दो भुजाओं से मिलकर बना बनता है। ये थोड़ा सा और आप पढ़ लेंगे इसके अंदर, और थैंक यू वेरी मच, ये हो जाए।